अबाउट समराइज्ड नोट मेकिंग. तो इसमें क्या है, लेट्स अज्यूम देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. तो आई हैव दिस हैबिट ऑफ व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग द बेसिक नोट्स, मैं क्या करता हूँ, एक FBD क्रिएट कर लेता हूँ. डेट, स्ट्रैटेजी पर, डेफिनेशन, टाइप्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, नीड और एवोल्यूशन, इस बेसिस पे. अब क्या है कि लेट्स अज्यूम ये इतना बड़ा टॉपिक है, 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज का एक है न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक, बट आई वॉन्ट टू समराइज इट इन 1 पेज. तो वॉट आई डू इज़ व्हाइल नोट मेकिंग, मैंने इन टॉपिक्स को इस हिसाब से अरेंज कर लिया, डेफिनेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टाइप्स, इवोल्यूशन, इस हिसाब से इसको अरेंज कर लिया. अब फिर उसके बाद एक पेज पे मैंने इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया है सीरियल वे में. और अब तो मतलब पहले एक फ्रेमवर्क बना लो आप, और फिर फ्रेमवर्क बनाने के बाद क्या है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक पेपर बन गया आपका, जिसमें क्या है ये टॉपिक्स दिए हैं और हर एक टॉपिक पे बस एक एक लाइन लिखनी है आपको. तो इंस्टेड ऑफ लीनियर नोट मेकिंग के पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिर उसको नोट करो, फिर चेन रिएक्शन लिखो, फिर उसको नोट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्रिएट अ फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क से आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने पूरे नोट्स को कितने स्पेस में समराइज करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल वो 6 पेज के नोट्स थे, बट आई वांट इट इन 1 पेज. तो आई डिसाइड कि किसको कितनी स्पेस मिलनी है. और इसके बाद इट बिकम्स मोर फन टू डू दिस चैप्टर एज वेल, बिकॉज यू ऑलरेडी नो किसके बाद कहाँ पर क्या आना है. सो इट बिकम्स ईजी. यू कैन ऑलरेडी ऑलवेज ट्रैक कि ठीक है इस चैप्टर को फिनिश होने में आई एम ऑन दिस पॉइंट, इतना और बचा है देन दिस चैप्टर विल फिनिश. तो ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी.